अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। फर्स्ट वाले में हमने देखा था, हमने एचसीएफ फाइंड किया था, मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। जो हमें एक्सप्रेशन दी बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए अपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला था। अब हमने क्या करना है, दोबारा एचसीएफ ही फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन में से, बट बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो हम डिवीजन मेथड से किस तरीके से एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं इस क्लास में, हम वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर हमें सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि ये इन दोनों चीज़ों में से क्या, किस चीज़ को क्या कहते हैं। ये वाली जो चीज़ है इसे हम कहते हैं डिवाइज़र, ठीक है, और इसे हम कहते हैं डिवाइडेंड। यानी कि जो चीज़ हमें डिवाइड करनी है और जिससे हमें डिवाइड करनी है, इससे हम डिवाइड करेंगे और ये चीज़ हम डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि जब हम ये बॉक्स बनाते हैं इस तरह का, आप ये समझ लो, तो इसके अंदर आता है डिवाइडेंड, यानी कि आएगा 3x² माइनस का 3x माइनस का 6, ठीक है। और जो डिवाइजर है वो आता है इसके बाहर, यानी कि x² प्लस का 3x+2, ये आएगा यहाँ बाहर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको पहली वाली जो टर्म है ना, इसको कैंसिल करना है। तो हम बाकी इन सब चीज़ों को नहीं देखेंगे, यानी मैं इस चीज़ को नहीं देख रही, ये वाली चीज़ को नहीं। फिलहाल मैं सिर्फ अपने इस वाले नंबर को देख रही हूँ, इस टर्म को, कि मैं इस नंबर से कौन सी ऐसी चीज़, नंबर या वेरिएबल मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरा 3x² जो है वो कैंसिल हो जाए। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूँ 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी टर्म 3 से मल्टीप्लाई होगी। यानी कि ये 3 से क्या टर्म मल्टीप्लाई होगी, x² प्लस का 3x और प्लस का 2। तो ये बराबर किसी हो जाएगा, 3x² प्लस 3 3 9x प्लस 3 2 6। तो हम यही चीज़ उठा के कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे ही हो जाएगा 3x² प्लस का 9x प्लस का 6, ठीक है। उसके बाद आपने एक काम क्या करना है, यहाँ इनकी साइंस चेंज कर देनी है नीचे। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी अपोजिट साइन कर देनी है जो यहाँ पे इनके साथ लिखी हुई है। तो यहाँ सब पे प्लस थी तो मैंने यहाँ नेगेटिव कर दी। अब यहाँ पे ये 3x² इस 3x² से कैंसिल हो गया, क्योंकि ऊपर प्लस था नीचे माइनस। यहाँ पे बाकी क्या बचा, रिमेनिंग -3x और -9x। तो ये कितना हो गया, -12x, माइनस माइनस प्लस माइनस 12 आ गया, यानी 6 + 6 = 12 होता है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे, अब ये आप समझ लो हमारा ये हमारा रिमाइंडर बचा है। अब अगर रिमाइंडर में से कुछ चीज़ कॉमन आ रही होती है तो हम वो कॉमन लेते हैं। हम किस तरह कॉमन लेंगे, हम लेंगे वी टेक या वी कैन टेक -12 फ्रॉम -12x -12 एंड ओमिट इट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप अगर ये वर्डिंग लिख दो तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ से लिया, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया -12x, -12 मेरे पास रिमाइंडर बचा है, समझ लो आप, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने -12 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, x और माइनस माइनस प्लस, यहाँ 1 बचा, ठीक है। तो अगर आप इसकी वर्डिंग लिखना चाहो तो आप वर्डिंग लिख दो, ना लिखना चाहो तो आप ना लिखो, लेकिन अगर आप लिख दो तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम यहाँ पे एक दफ़ा ऐसे दिखा देते हैं -12, और ये यहाँ पे क्या बचा, -12 मैंने कॉमन लिया तो बचा x+1। अब ये जो -12 है, हम ये कह रहे हैं वी कैन टेक -12 कॉमन लिया हमने इस पूरी टर्म में से और उसको ऑमिट कर दिया, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया, उसको हटा दिया। अब ये आपके पास समझ लो -12 जो है ये ख़त्म हो चुका है। अब आपके पास नेक्स्ट जो चीज़ है ना, अब ये जो है ये आपकी बन गई है डिवाइज़र, और ये बन चुका है आप सॉरी ये वाली जो टर्म है आपकी, ये वाली जो टर्म है ये आपकी बन चुकी है डिवाइडेंड, ठीक है। तो किस तरीके से, अब आपके पास अगेन हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या आएगा मेरे पास, x² प्लस का 3x प्लस का 2, और डिवाइडर क्या बन चुका मेरे पास, अब ये x+1। तो ये x+1 यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, x² कैंसिल करवाना है, तो मैं किससे इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ टर्म को, x से। तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस का x, और यहाँ साइंस को मैं क्या करूँगी, चेंज कर दूंगी, यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये क्या हुआ मेरे पास, ये वाली तो साइन वैसे ही कैंसिल हो गई, और बाकी क्या बचा, +3x माइनस एक्स से क्या बचा मेरे पास, खाली 2x और प्लस का 2, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ से भी दोबारा क्या चीज़ निकली है, मेरे पास लिखा हुआ है 2x+2, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, क्या बचा मेरे पास, x+1, ठीक है। अब आपके पास दोबारा क्या हुआ, ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है ये बन गई आपकी डिवाइडेंड, और ये जो चीज़ है ये हो गया डिवाइजर। 2 हमारा ओमिट हो चुका, जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं वो हमारी कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो अब मेरे पास डिवाइडेंड क्या है, x+1, मैंने x+10 लिख दिया, और डिवाइजर क्या है मेरे पास, ये भी x+1 है, मैंने x+1 कर दिया। अब अगर मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वापस से x+1 ऐसे ही आ जाएगा, साइंस दोनों की चेंज हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, ये मेरी जो चीज़ है ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी दोनों में, यानी कुछ भी नहीं बचेगा, अब सब 0 0 हो गया। इसका मतलब अब यहाँ मेरा काम खत्म हो चुका है, और मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या आया है। अगर आप सारी डिवाइड सारी चीज़ों में देखो तो x+1 यहाँ पे भी इसे डिवाइड करने के बाद आया, और यहाँ पे भी x+1 डिवाइड करने के बाद आया, यानी जो रिमाइंडर बच रहा था उसमें x+1 था। तो मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, x+1 आ गया। तो ये हो गया मेरा आंसर, मेरा HCF मैंने निकाल लिया, ठीक है।
तो आपको उस लेवल तक जाना है, यानी जहाँ पे काम खत्म हो जाए, इसके बाद मजीद यहाँ पे कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, कोई डिवीजन नहीं हो सकती, तो आप यहाँ पे अपना काम जो है वो छोड़ देंगे और अपना HCF निकालेंगे, यानी कि जितनी भी डिवीजन में रिमाइंडर जो नीचे बच रहे होंगे उसमें से जो चीज़ कॉमन आ रही होगी वो हमारी HCF कहलाएगी। तो क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं उसके बाद। सो क्वेश्चन नंबर टू के अंदर दोबारा ये जो चीज़ है हमारी डिवाइजर है, और ये जो है 3x³ ये हमारा डिवाइडेंट है, तो हम पहले उसको इस तरह लिख लेते हैं, अपना डिवाइडेंट आ गया अंदर 3x³ प्लस 23x² प्लस का 50x और प्लस 24, ठीक है, और डिवाइजर जो है वो आ जाएगा बाहर, यानी कि 2x³ प्लस 15x² प्लस 31x प्लस 12, ठीक। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, 3x³ को कैंसिल करवाना है, ख़त्म करना है, तो यहाँ 2x³ लिखा है, मैं 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये 3x मतलब कैंसिल तो नहीं हो सकता, तो इस ऐसी कंडीशंस में हम सिंपल क्या करते हैं, पूरी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये जो पूरी टर्म है यहाँ जो नंबर हम लिखते हैं उससे पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ऑब्वियसली बात है सारी टर्म वैसी रहेगी, तो हम इसको एज इट इज नीचे लिख देंगे 2x³ प्लस 15x² प्लस 31 का x और प्लस का 12, ठीक है, नीचे सबकी साइंस चेंज हो जाएंगी, यहाँ सब में पॉजिटिव है तो सबकी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। क्या आंसर आएगा यहाँ से, 3x³ और माइनस 2x³ बचा क्या खाली x का क्यूब, 23x² माइनस का 15x² कितना बचा हमारे पास, प्लस का 8x², यहाँ पे क्या बचा प्लस का 50 माइनस 31 19x, और यहाँ से प्लस 24 माइनस 12 तो प्लस का 12, क्योंकि बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है इसलिए नीचे सबकी पॉजिटिव साइन आई है। अब क्या हो जाएगा, ये वाली जो चीज़ है ये आपकी बन जाएगी डिवाइजर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये अब हो जाएगा डिवाइडेंड, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होगा, आपकी चीज़ें चेंज होती चली जाएंगी क्योंकि आपको काम अभी करना है। अच्छा, उससे पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ से कुछ चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही ताकि हमारा डिवाइजर आसान हो जाए, तो यहाँ से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, सीधे सिंपली हम उसे क्या करेंगे, अगेन लिख के, अगेन से मुराद हम दोबारा वही काम कर रहे हैं और हम अपना काम शुरू कर देंगे, यानी कि यहाँ मैंने लिख दिया अपना डिवाइडेंड, यानी 2x³ प्लस 15x² प्लस 31 का x प्लस का 12, और डिवाइजर क्या आ गया मेरे पास x³ प्लस 8x² प्लस 19x और प्लस का 12, ठीक है। अब क्या है, मुझे 2x³ कैंसिल करना है, तो मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊँ, सिर्फ पहला पहली जो टर्म होती है उसे देख लो, मैं ऑब्वियसली बात है वैसे 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये क्या हो जाएगा 2x³ हो गया, इसे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 जो है अब ये पूरी इस टर्म से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 2x³ प्लस 2 8 16x² प्लस 2 9 2 × 19 कितना होता है 38x प्लस 2 12 24 आ गया, ठीक है। अब इनकी क्या होगी, दोबारा से सबकी साइंस चेंज हो जाएंगी, तो मैं यहाँ साइंस चेंज कर दूँ, यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस माइनस, 2x³ से 2x³ कैंसिल हो गया, अब मेरे पास क्या बचा प्लस 15x² माइनस 16, तो बचा माइनस x² प्लस 31x माइनस 38x तो माइनस का 7x प्लस 12 माइनस 24 तो माइनस का 12 बचा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ है, माइनस का x² माइनस का 7x माइनस का 12, ठीक है, तो मैं इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकती, सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन आ रही है माइनस साइन, तो मैंने माइनस साइन कॉमन ले ली, तो यहाँ बचा x² प्लस का 7x प्लस का 12, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो गया, अब मेरे पास ये जो चीज़ है ये दोबारा बन गई, मेरे पास ये हो गया डिवाइजर, और ये जो चीज़ थी ये हो गई मेरे पास डिवाइडेंड, ठीक है। तो अब दोबारा से हम डिवाइजर और डिवाइडेंड अपनी उसमें ब्रैकेट उसमें उसमें साइन में लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x³ प्लस 8x² प्लस 19x और प्लस का 12, और डिवाइजर क्या है मेरे पास x² प्लस का 7x प्लस का 12, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी ये टर्म को मतलब पहली वाली जो टर्म होती है उसे ख़त्म करना होता है, तो मैं इस किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा x² इंटू x एक्स का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, फिर हो जाएगा ये x प्लस 7x² और फिर हो जाएगा प्लस 12 का x, क्योंकि x जो है वो पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो अब यहाँ पे इनकी साइंस चेंज हो जाएंगी, हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो मेरे पास ये चीज़ तो पूरी कैंसिल हो गई, ठीक है। अब मेरे पास आखिर में क्या बचा यहाँ पे, ये मेरे पास बचा 8x² माइनस 7x² सॉरी ये 7x² है, 8x 7 गया तो कितना बचा मेरे पास खाली x², और यहाँ से क्या बचा मेरे पास प्लस 19x माइनस 12, तो प्लस कितना बचा मेरे पास 7 का x और प्लस का 12 बचा, ठीक है, x² प्लस 7x प्लस 12 बचा। अब आपको क्या करना है, दोबारा से अगेन ये जो चीज़ है ये आपकी क्या बन गई है, इसमें से कुछ चीज़ अब मजीद कॉमन तो नहीं आ रही है, दोबारा से ये हो गया डिवाइजर और ये चीज़ हो गई आपकी डिवाइडेंड, ठीक है। अगर आप देखो तो अब ये आराम से एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, यानी अब हमारी काम खत्म होने वाला है, तो अब मैं अगर इसको दोबारा से इस तरह लिख दूं कि भाई ये हो गया x² प्लस 7x प्लस का 12, ये डिवाइडेंड मैंने यहाँ लिख दिया, ये डिवाइडर मैं बाहर लिख रही हूँ x² प्लस का 7x प्लस का 12, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पूरी टर्म सेम ही मैं 1 लिखूँ तो ये पूरी एज इट इज आ जाएगी किससे 7x प्लस 12, और साइंस मेरी सारी चेंज हो जाएंगी, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इससे क्या होगा ये सब एक दूसरे से सारी चीज़ें क्या हो गई कैंसिल हो गई, तो अब मेरे पास क्या बचा,
क्या बचा है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बचा है आखिर चीज़ मेरे पास। और अगर आप दूसरे तरीके से देखो तो मेरे पास यहाँ पे भी आंसर में ये वाली एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 आया, और सेकंड टाइम भी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 आया। यानी अब मुझे इस चीज़ के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, मेरे पास कोई फैक्टर की फॉर्म में तो नहीं आया, मेरे पास इस फॉर्म में आंसर बचा है क्योंकि सब कैंसिलेशन हो गई और कोई फैक्टर तो नहीं बना। तो मुझे इसका फैक्टर किस तरह बनाना पड़ेगा, मिडिल टर्म ब्रेक करके। हम मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करते हैं, तो हम अपनी मिडिल टर्म यहाँ पे इस तरह ब्रेक करते हैं, मैं यहाँ ऊपर ले जा रही हूँ, यहाँ पे लिख रहे हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, ठीक है ये चीज़ बची है। इसका मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होगा आपको पहले भी पता है कि हम मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करते हैं, अगर यहाँ कोई नंबर नहीं तो हमसे 12 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 12 का एलसीएम क्या होगा, मैं यहाँ सिर्फ में लिख रही हूँ, ये हो गया 2 6 12, ठीक है, और 2 3 6 और 3 1 3, मेरे पास कितने नंबर्स आ गए, 2 2 और 3, और बीच में ये 12 के साथ पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब इनमें एडिशन करके मुझे 7x बनाना है। तो क्या कैसे बनेगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह मिडिल टर्म ब्रेक कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 12, ठीक है। शुरू के 2 लास्ट के 2 में से कॉमन लेते हैं, फर्स्ट में से एक्स कॉमन आ गया, बचा क्या एक्स प्लस 4, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं प्लस का 3, यहाँ बचा खाली एक्स प्लस 3 4 12, दो ब्रैकेट सेम आ गया एक्स प्लस 4, इसका मीन आपने फैक्टराइजेशन सही परफॉर्म किया, यहाँ पे बच गया एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 3। तो ये क्या होगा, आपके एच सी एफ होगा, एच सी एफ आपके आ गए आंसर एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकल गए। थोड़ा सा लेंदी काम है बट बहुत इजी है, आपको सिर्फ जब तक डिवीजन करती जानी है जब तक आपकी सारी टर्म्स जीरो ना हो जाए, कैंसिल ना हो जाए, यानी अब रिमाइंडर में आपके पास कुछ भी ना बच रहा हो, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी ये कहानी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, 4x³ - 2x² - 100x - 50 n x 4 x^4 + 10x³ - 15x²-250x - 225। ये पूरा जो क्वेश्चन है ना ये पॉसिबल नहीं है इसको सॉल्व किया जाए क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई मिस्टेक हुई हुई है पावर्स की वजह से। तो ये हर तरीके से सॉल्व करके मैंने देखा है बट ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम इसको स्किप कर देंगे, हम डायरेक्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 है यानी कि जो क्वेश्चन 3 बनता है इसके अंदर भी थोड़ी सी मिस्टेक है, वो क्या है, यहाँ 3xy नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए, यहाँ 3y लिखा है, यहाँ पे आएगा 3y, तो मैं इसीलिए आपके सामने इसको सही करूँ, यहाँ 2xy² लिखा है तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पर दिखा देती हूँ लिख के, यहाँ आ जाएगा 3xy और यहाँ आ जाएगा प्लस का 3xy², ठीक है। तो ये बुक में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग थी तो हमने उसे सही कर दिया, क्वेश्चन इस तरह होगा वरना आपका आंसर सॉल्व कभी भी नहीं होगा। तो सबसे पहले अब हमने काम क्या करना है, यहाँ पे 3 टर्म्स आपको दी हुई, तो सबसे पहले तो हम 2 के ऊपर जाएंगे शुरू के 2। तो अभी फिलहाल मेरे पास क्या चीज़ है, ये जो है ये क्या है आपका, ये आपके पास जो है ये डिवाइडेंड है, और ये जो चीज़ है ये आपके पास फिलहाल अभी डिवाइजर है, ठीक है। तो किस तरह से हम अपना काम करेंगे, हम सबसे पहले वही जैसे हमने हमेशा किया, अपनी डिवाइडेंड को अंदर लिख देंगे, हो जाएगा x² + 3xy + 2y², ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइजर यानी कि x² + xy - 2y², सही। अब मुझे एक्स स्क्वायर कैंसिल करना है तो सिंपल मैं क्या करूँगा, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, तो हम 1 लिखेंगे ऊपर और यहाँ आ गया x² + xy - 2y², ठीक है। और साइन चेंज होंगी हमारे पास नीचे, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ गई, x² से ये x² कैंसिल हो गया, बचा गया +3xy - xy, तो यहाँ बचा खाली 2xy, यहाँ क्या बचा प्लस 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 2 2, क्या हो जाएगा 4y², ठीक है। अब क्या मेरे पास इनमें से कुछ चीज़ कॉमन निकल रही है, बिल्कुल कॉमन निकल रही है, कैसे कॉमन निकल रही है, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया 2xy + 4y², इसमें से एक वाई कॉमन निकल रहा है और एक 2 कॉमन निकल रहा है, तो हम 2y कॉमन निकाल दें तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा खाली x + 2 2 4 यानी 2 और खाली 1y बचेगा, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना ये 2y, ये क्या हो जाएगी, ओमिट हो जाएगी। अब हमने क्या करना है हमारे पास, अब आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है, अब आपके पास ये जो चीज़ है ये बन गई है डिवाइजर, और ये जो चीज़ है ये अब आपके पास बन चुकी है डिवाइडेंड, ठीक है। अब चेंज हो गया मामला, तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से अगेन पहले लिखेंगे हम, अगेन क्या काम कर रहे हैं, डिवीजन हम करेंगे परफॉर्म। तो यहाँ आ गया मेरे पास x² + xy - 2y², ठीक है। और डिवाइजर क्या है मेरे पास, x + 2y। अब मुझे x² चाहिए यहाँ x से, तो मैं खाली किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, x से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या टर्म बन जाएगी, x² + 2xy, क्योंकि x पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। और साइंस इनकी क्या हो जाएंगी, चेंज माइनस माइनस, तो ये x² से x² कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा +xy - 2xy, तो यहाँ बचा -xy खाली और -2y², ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, अब आप चाहो तो इसे एक लंबा स्टेप और परफॉर्म कर लो, पर अगर आप चाहो तो इसे ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। किस तरीके से, यहाँ पे क्या है मेरे पास, खाली x लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है xy है, और यहाँ 2y है और यहाँ 2y² है, तो अगर मैं यहाँ इसको y से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा xy, और ये हो जाएगा 2y² का, यानी अगर मैं इसको इस तरह कर दूँ माइनस का y, तो ये क्या हो जाएगा
माइनस का वाई एक्स, यानी मैंने अब इस टर्म को माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स वाई और माइनस टू वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यही सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, माइनस का टू वाई स्क्वायर, नीचे साइंस चेंज होंगी इसकी, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यहाँ हमारी कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं समझ आ रहा, आपको वही डिवाइडर डिवाइडेंड से समझ आता है, तो मैं आपको उस तरह भी बता दूँ कि हम किस तरह से, जैसे हमने ऊपर काम किया हम वैसे ही बता देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ये आपको बताने के लिए, किससे आपकी जो डिवीजन है थोड़ी आसान हो जाएगी, यानी आपके स्टेप्स बच जाएंगे। पर अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप वापस से यही काम कर लो, आपने माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर लिखा, ठीक है, आपने ऐसे लिख दिया, अगेन आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, एक आप माइनस कॉमन ले सकते हो, एक वाई कॉमन ले सकते हो, यहाँ से क्या बचा, माइनस माइनस प्लस, खाली एक्स बचा, वाई निकल गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचा, एक वाई निकल गया, तो खाली टू वाई बचा, ठीक है। अब दोबारा आपके पास क्या चीज़ है, ये आपके पास बन गया डिवाइडेंड, और ये चीज़ हो गई आपके पास क्या हो गई, डिवाइजर, ठीक है। तो अब आप इसको दोबारा अगर आप अगेन इसको इसकी रिवीजन करोगे, तो ये क्या बचेगा, यहाँ एक्स प्लस टू वाई, और यहाँ पे भी बचा एक्स प्लस टू वाई, ये जो माइनस वाई है ये ऑमिट हो चुका है, मैं आपको पहले बता चुकी। अब ये चीज़ मैं सिंपल यहाँ वन लिख दूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू वाई, ठीक है, साइंस इनकी चेंज हो जाएंगी, माइनस माइनस, तो ये एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब मेरे पास इसके इससे ज़्यादा इसे सॉल्व करने की गुंजाइश नहीं बचती, चाहे तो आप इसे इस स्टेप पर सॉल्व कर देते, यहाँ इस पर यहीं पे माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते तो भी ये कैंसिल हो जाता है। अब अगर आप इस तरह करना चाह रहे हो तो आप इस तरह भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, बस यहाँ पे करने से आपके पास क्या होता है, कि स्टेप ये वाला जो स्टेप है ये बच जाता है। अब हमारे पास एक टर्म से यहाँ से काम खत्म हो गया, अब मैं किसको लूंगी, ये, अब ये जो चीज़ है ये क्या बन गई मेरे पास, अब ये डिवाइडेंड है, ठीक है, ये नया डिवाइडेंड है, और डिवाइजर क्या है मेरे पास, यहाँ पे एक्स प्लस का टू वाई, किस तरीके से, अब हम यहाँ पे इसको अगेन लिखते हैं, पहले तो अगेन, ठीक है, सो यहाँ पे आ गया मेरे पास एक्स एक्स का क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस का थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस का टू वाई क्यूब, ठीक है, और डिवाइडर क्या बचा था मेरे पास, एक्स प्लस टू वाई, यही था मेरे पास, एक्स प्लस टू वाई बचा था, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब मुझे खत्म करना है, तो मैं कितने मल्टीप्लाई कर दूँ, एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, साइंस इनकी चेंज होंगी, साइन चेंज करना कभी नहीं भूलना आपने, ये साइन चेंज हो गई, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, प्लस थ्री और माइनस टू, तो यहाँ बचा खाली एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई का स्क्वायर प्लस टू वाई का क्यूब, ठीक हो गया। अब आपके पास इसमें से हम देखेंगे कि कुछ चीज़ क्या कॉमन आ रही है, तो हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे मामला दुरुस्त हो सकें। तो भाई यहाँ से कॉमन आ रहा है, अभी मैं यहाँ इसको अगर निकाल के रख लूँ, एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई का स्क्वायर प्लस टू वाई का क्यूब, तो इसमें से एक चीज़ कॉमन निकलती भी नजर आ रही है, वाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक्स नहीं निकल रहा क्योंकि आखिरी टर्म में एक्स नहीं है, तो हम सिर्फ वाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस टू वाई का स्क्वायर, ठीक है, हम ये ले सकते हैं। अब आपने इसको इस तरह निकाल के तो रख दिया, लेकिन अब अगर आप इसको काम आगे देखो, यानी कि हम अगर इसको इस तरह से देखें कि अब क्या मैं इसको, ये मेरा क्या बन चुका है, ये बन चुका है मेरा अब डिवाइजर, यानी इस चीज़ से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, और ये जो चीज़ें मेरी डिवाइडेंड बन चुकी है, तो क्या एक्स प्लस टू वाई को मैं इससे डिवाइड कर सकती हूँ, इसकी तो पावर ऑलरेडी बड़ी है, तो मैं कैसे डिवाइड कर सकती हूँ, इसका मतलब ये वाला जो काम है ना, हम ये यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा आगे कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, तो हम ये वाला स्टेप नहीं करेंगे, हम यहीं पर रहते हुए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से, अब आप इस चीज़ को तो फॉरगेट कर दो, इसे भूल जाओ बिल्कुल, ठीक है। अब आपके पास समझ लो ये है डिवाइडर, ये चीज बन चुकी है डिवाइडेंड, ठीक है। अब मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई को मुझे खत्म करना है, और मेरे पास यहाँ है सिर्फ एक्स, अब मैं एक्स को किस चीज से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर वाई आ जाए, तो एक तो एक्स ऑलरेडी है, तो मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक मुझे वाई चाहिए, तो मैं वाई लिख दूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होकर एक्स, यानी अब ये एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स वाई से, सॉरी पूरी टर्म जो है वो एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रही है, किस तरीके से, ये एक्स प्लस टू वाई पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वाई से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम यही चीज़ यहाँ उठा के लिख देंगे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स वाई का स्क्वायर, इनकी साइंस क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी, तो ये वाला तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, और ये क्या हुआ, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का टू, तो यहाँ बचा खाली एक्स वाई का स्क्वायर प्लस टू वाई क्यूब, ठीक है। अब मेरे पास एक्स है, मुझे एक्स कैंसिल करना है, सिर्फ मुझे वाई स्क्वायर चाहिए, यानी आप इन चीज़ों को छोड़ दो, ये चीज़ को आप छोड़ दो, इससे आपको कोई नहीं है, हम सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई नंबर करें ताकि हमारी चीज़ें टर्म्स कैंसिल होती चली जाएँ। मेरे पास एक्स है और मुझे एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल करना है, तो एक्स तो ठीक है, वाई स्क्वायर से मैं क्या करूँगा, अगर इसे मल्टीप्लाई कर दूँ प्लस वाई स्क्वायर, यानी अब मेरी जो टर्म है वो किससे मल्टीप्लाई होगी, वाई स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का टू वाई क्यूब, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे, एक्स वाई का स्क्वायर प्लस का टू वाई क्यूब, वो जो हम कॉमन लेते थे, ऑमिट करते थे रिमाइंडर को, वो हम यहाँ नहीं चल सकता, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको एक स्टेप करके भी दिखा दिया था। तो यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हुई, अब मेरे पास रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा, सही।
इसका मतलब मेरा आंसर यहाँ तक हो चुका है कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है, मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए अब आप एक चीज़ देखो, मेरे पास क्या चीज़ आई है यहाँ पे, ये क्या आया एक्स प्लस टू वाई, ठीक है, और यहाँ पे भी एक्स प्लस टू वाई, यहाँ पे भी एक्स प्लस टू वाई, यहाँ पे भी एक्स प्लस टू वाई आ रहा है। इसका मतलब क्या है, मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एच सी एफ जो है वो क्या निकला है, एच सी एफ बराबर आया है एक्स प्लस टू वाई के, ठीक है। तो ये हो गया क्या मेरा आंसर। हर जगह पे आपको एक कॉमन चीज़ नज़र आ रही होगी और वही कॉमन जो चीज़ है वो आपका क्या होगा, एच सी एफ होगा। सो ये क्वेश्चन नंबर इसका थ्री यानी इसका जो पार्ट फोर था वो कम्प्लीट हो गया, थ्री वाला जो था वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज 5.1 का कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीके से, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी वीडियो। अगर फिर भी कोई क्यूरी या क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी के इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन थ्री एंड फोर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।